जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। इसे कहते हैं बिजनेस करने का सही टेक्निक। पहले एंट्री लेवल में अपना कदम जमाया, बाद में अभी मिड रेंज में अपना कदम जमाने जा रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ टेक्नो मोबाइल के बारे में। टेक्नो का जो कि कुछ दिन पहले एक लीक्स निकल के आया था कि जी सीरीज चिपसेट के साथ फोन लॉन्च करने जा रहा है, जो कि मीडियाटेक का हेलियो G70 के साथ, जिसका वीडियो मैं चैनल पे अपलोड भी किया हूँ। लेकिन अभी एक खतरनाक चिपसेट का और एक लीक्स निकल के आया है, और ग्रीक बिंच जो एक साइट है उसमें इसका लिस्टिंग किया गया है। और ये जो चिपसेट है मीडियाटेक की तरफ से, मीडियाटेक हेलियो G90T चिपसेट के साथ जो है इस मोबाइल को लॉन्च करने जा रहा है टेक्नो। तो गाइस, मार्केट में अगर आप चिपसेट के हिसाब से देखेंगे तो रेडमी और रियलमी किंग है, क्योंकि मीडियाटेक का जो हेलियो जी सीरीज है जो कि गेमिंग के लिए बना हुआ है, उस सीरीज को ज़्यादातर यूज किया है रेडमी और रियलमी। अब इस जगह पे टेक्नो भी अपना नया मोबाइल में दोनों दो चिपसेट यूज करने जा रहा है, जो कि है मीडियाटेक की तरफ से अपना जी सीरीज का चिपसेट यूज करने जा रहा है। काफ़ी अच्छी बात है, और ये मोबाइल गेमिंग के लिए कितना अच्छा होगा ये तो आपको बताने का जरूरत नहीं है, क्योंकि मीडियाटेक का हेलियो G90T जो चिपसेट है, इससे पहले आप रेडमी नोट 8 प्रो में भी देखे होंगे और रियलमी 6 में भी देखे होंगे, और अभी रियलमी 6 आई जो कि लॉन्च होने वाला है उसमें भी आपको मिलेगा। तो ये जो चिपसेट है काफी खतरनाक चिपसेट है, इसमें आप गेमिंग जो है बहुत ही लाजवाब करेंगे। तो चलिए आज इस वीडियो में टेक्नो का ये नया फोन के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में बात करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बाजू में बेल का घंटा है उसको जरूर प्रेस कर लीजिए। तो गाइस, इस साल बहुत सारा कंपनी फोन लॉन्च ही नहीं किया है, लेकिन टेक्नो कुछ फोन को इस साल इंडिया में लॉन्च किया है। कुछ दिन पहले टेक्नो स्पार्क पावर 2 को लॉन्च किया था, अब अमेजोन पे टेक्नो स्पार्क 5 को लॉन्च किया, इसके बाद 5 प्रो भी कुछ दिन मतलब बाद ही लॉन्च होने ही वाला है। तो काफी सारा स्मार्टफोन जो है टेक्नो इंडिया पे लॉन्च किया है, और उसका हर मोबाइल जो है थोड़ा बहुत अच्छा मार्केट कर ही लेता है, क्योंकि अगर प्राइस रेंज के हिसाब से देखा जाता है तो थोड़ा बहुत अच्छा फीचर्स मिलता है। इससे पहले काफी सारा यूजर ने टेक्नो और इन्फिनिक्स का चिपसेट को लेकर थोड़ा सा कंप्लेन किया है, क्योंकि चिपसेट में थोड़ा सा कंजूसी करता है, लेकिन इस बार आपको कोई भी कंजूसी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि टेक्नो का जो दो फोन आने वाला है जिसमें एक रहेगा G70 और दूसरा रहेगा G90T चिपसेट, तो चिपसेट में आपको कुछ भी कमियां देखने को नहीं मिलेगा। और एक बात, जो रैम रहेगा वो भी बहुत ज़्यादा देगा, एक में 6GB का रैम मिलेगा, दूसरे में 8GB का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा। भाई क्या बात है। तो कुछ दिन पहले जो वीडियो में बनाया था, अगर आप वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो देख लेना, आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा। वो जो मोबाइल है टेक्नो फैंटम 10 है, और उसी के साथ मैं बताया था कि टेक्नो फैंटम 10 सीरीज का और एक स्मार्टफोन आने वाला है, जो कि है टेक्नो फैंटम 10 प्राइम, मतलब प्रीमियर या फिर प्राइम जो भी नाम हो सकता है। वो जो फोन है मीडियाटेक का हेलियो G90T चिपसेट के साथ आ सकता है, और ग्रीक बीच साइड में इसका जो रैम है वो 8GB लिखा गया है। तो भाई क्या बात है, मतलब फीचर्स बहुत ही बढ़िया मिलेगा। और अगर बात मैं बताऊं इस मोबाइल का डिस्प्ले का, तो जैसे कि मैं पिछले वीडियो में भी बताया था कि फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाला आपको फुल व्यू डिस्प्ले मिलेगा। मोबाइल में आपको जो है पॉपअप सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा, तो ये बहुत ही अच्छा बात है, क्योंकि लुक और डिजाइन में बहुत ही खतरनाक होने वाला है। बाकी ये जो मोबाइल है Redmi Note 9 Pro और Realme 6 Pro और Realme 6 और Realme 6i, ये सारे मोबाइल को जो है कंपटीशन करने वाला है, क्योंकि मार्केट में अभी ये सारा मोबाइल जो है मतलब गेमिंग में बेस्ट है, उस जगह पे टेक्नो भी अपना पैर जमा रहा है। तो भाई क्या बात है, मैं तो हमेशा के लिए मतलब यही चीज़ देखने का कोशिश किया था कि कोई भी कंपनी अच्छा अच्छा फ़ोन लॉन्च करेगा तो कस्टमर का ही फायदा है, क्योंकि जितना ज़्यादा मार्केट में मोबाइल आएगा उतना ज़्यादा प्राइस कम होगा और उतना ज़्यादा कस्टमर को फायदा होगा। कॉम्पिटिशन जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा कस्टमर को फायदा है। और मोबाइल का कैमरा की बात करें तो आपको 64MP का क्वेड कैमरा का सेंसर मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। पॉपअप सेल्फी में आपको 32MP का सेल्फी कैमरा मिलेगा, और मोबाइल में आपको बैटरी जो है 5000mAh का बैटरी मिलेगा, और फास्ट चार्जिंग भी आपको देखने को मिलेगा। और फिलहाल अभी टेक्नो ये दोनों मोबाइल में काम कर रहा है, जो कि है टेक्नो फैंटम 10 और टेक्नो फैंटम 10 प्रीमियर। और दोनों मोबाइल में जो चिपसेट है, फिर से मैं बता देता हूं, G70 है एक में और एक में है G90T चिपसेट। दोनों चिपसेट खतरनाक चिपसेट है। फिलहाल मोबाइल आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन अच्छी बात यह है कि गुड न्यूज यह है कि मोबाइल को लिस्टिंग कर दिया गया है, जो ग्रीक बिंच जो साइट है उसमें लिस्टिंग कर दिया गया है। और फिलहाल तो अभी लीक्स है, बाकी अगर ऑफिशियली कुछ भी न्यूज आएगा ये दोनों मोबाइल के बारे में तो इस चैनल पे वीडियो आपको मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बहुत ही लाजवाब न्यूज था, मैं इसलिए थोड़ा सा नाइट में वीडियो बनाया, आप वीडियो क्वालिटी देख के आपको थोड़ा सा पता चलेगा। बाकी अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना, अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगर आप चाहते हैं इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और वीडियो से जाने से पहले ये वाला वीडियो देख सकते हैं, और आप चाहे ये वाला वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। तो मिलते हैं और कोई नया इंटरेस्टिंग और फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए बाय।